रुक करते हैं प्रदेश की ओर। जिला बिलासपुर के झंडुता उपमंडल के तहत पड़ने वाली पंचायत स्मो के गांव विजयपुर पंगिया के रहने वाले कमांडो सैनिक ने पिछले महीने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह हासिल की थी, जिससे सैनिक ने पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। सैनिक के छुट्टी पर आने से घर में उसका भव्य स्वागत परिवार वालों व रिश्तेदारों के द्वारा किया गया है। जिला बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के तहत पड़ने वाली पंचायत समूह के गांव विजयपुर पांगियों के रहने वाले कमांडो सैनिक ने पिछले डेढ़ महीने माउंट आबू की चोटी पर फतह की थी, जिससे सैनिक ने पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया था। सैनिक के छुट्टी में आने पर घर पर उसका भव्य स्वागत घर वालों के अलावा रिश्तेदारों के द्वारा किया गया। इस स्वागत समारोह में न किसी प्रशासनिक अधिकारी और न ही स्थानीय विधायक ने आना उचित समझा। जिस कमांडो सैनिक ने हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया था, उसका स्वागत के लिए थोड़ा सा समय भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं है, जिसका हर किसी को मलाल है। कमांडो सैनिक के जीजा अश्विनी कुमार चंदेल ने बताया कि अनूप सिंह चंदेल का स्वागत पहले भगेड़ व उनके अपने घर में ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। सन 2011 में CISF में भर्ती हुए अनूप चंदेल ने गत माह ही माउंट आबू की चोटी पर फतेह हासिल की थी और अब वे अपनी सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। अनूप चंदेल के पिता स्वर्गीय कश्मीर सिंह चंदेल भी इसी कोर में थे। अनूप सिंह चंदेल अपनी मेहनत व लगन से ब्लैक कमांडो NSG में 5 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। शुरू से देश की सेवा का जज्बा पाले अनूप सिंह की शादी शिल्पा चंदेल से हुई है तथा अब उनके घर में एक नन्ही पर रियाशी चंदेल आई है। माता गृहिणी है तथा एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। इस स्वागत समारोह में परिवार वालों के साथ गांव के लोग, सगे संबंधी सहित वार्ड पंच और BDC सदस्य मौजूद रहे। जो गौरव बढ़ाया है बहुत ही एक सराहनीय, एक इन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सराहनीय इन्होंने काम किया है। और ये सुबह के एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं और ये सबसे पहले आज जब अपने गांव को वापस लौट रहे थे तो इन्होंने अपाहिज गाँव उपचार सेवा केंद्र भगेड़ में यहां पर अपनी उपस्थिति दी। इसके लिए हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो इनके कदम जो एवरेस्ट जैसी ऊंचाई को छूकर आए हैं वो आज यहां पर पड़े हैं। और हमें भी उम्मीद है कि हमारे कार्य जो लावारिस गौवंश को लेकर चले हुए हैं उनमें जो लावारिस गौवंश सड़कों पर घूम रहा है उनको भी आज ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया, इस भारी समस्या से हम लोग भी निपटेंगे और हिमाचल की सड़कों से गौवंश को एक स्थायी व्यवस्था उनकी करवाएंगे और मुक्त गौवन का निर्माण करवाएंगे। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।